एनडी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर की बेटी और होनहार बैडमिंटन खिलाड़ी मालविका बंसोड़ ने दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को हराया। मालविका की जीत पर नागपुर के खेल प्रेमियों में छाई खुशियां। लोगों ने कहा मालविका ने रचा इतिहास। नागपुर वासियों का पीछा नहीं छोड़ रहा कोरोना वायरस का जिन। गुरुवार को फिर बढ़ा पॉजिटिव मरीज मिलने का आंकड़ा। 2086 नए पॉजिटिव मरीज मिले और एक मरीज की मौत भी की गई दर्ज। और अनेक दिव्यांग कलाकार मिलकर पेश करेंगे अनूठा मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया शो। इस शो के माध्यम से साकार होगी आत्मनिर्भरता की तस्वीर। विस्तार से। दिल्ली में जाने माने भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को केडी जाधव इंडोर हॉल में इंडियन ओपन 2022 बैडमिंटन चैंपियनशिप में नागपुर की मालविका बंसोड़ ने हरा दिया, जिससे नागपुर शहर में खुशी की लहर छाई है। इंडिया ओपन 2022 के दूसरे दौर के 35 मिनट तक चले टूर्नामेंट में सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी सायना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा। सायना पहले सेट में 5-7 से पीछे चल रही थी। मालविका ने सेट में सायना को 21-17 से हराकर उनका मनोबल बढ़ाया। उसके बाद मालविका ने पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला और 35 मिनट के मैच में अपना सारा हुनर झोंक दिया। गुरुवार को मैच में नागपुर की मालविका ने सायना को 21-17 व 21-9 से हराया। इसी बीच गुरुवार को हुए इस मैच में सायना नेहवाल को हराने के बाद मालविका बंसोड़ सोशल मीडिया के जरिए खूब सुर्खियां बटोर रही है। दूसरी ओर नागपुर में खेल प्रशंसकों ने बैडमिंटन के क्षेत्र में उनकी जीत पर खुशियां मनाई। नागपुर जिले में कोरोना का कहर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। वहीं गुरुवार को नागपुर जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ। गुरुवार को नागपुर जिले में 2086 लोग संक्रमित पाए गए, वहीं एक की मौत भी हो गई। इस लहर में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। अब प्रशासन भी सख्ती बरत रहा है, लेकिन लोग नियमों का उल्लंघन करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से शहर भर में ऑन द स्पॉट आरटीपीसीआर जांच भी की जा रही है। कोरोना संक्रमण फैलने का सबसे बड़ा कारण सुरक्षा नियमों का पालन न होना बताया जा रहा है। कई लोग अभी बगैर मास्क के घूमते नजर आ रहे हैं। वहीं साप्ताहिक बाजारों में बरडी इतवारी परिसर में भी लोगों की भीड़ देखी जाती है। गुरुवार को जिले में कोरोना ब्लास्ट हुआ। 2086 संक्रमित पाए जाने से प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। 2086 पॉजिटिव मरीजों में शहर के 1589 और ग्रामीण के 434 बल्कि जिले के बाहर के 63 मरीज शामिल हैं, जबकि 470 मरीज ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। जबकि जिले में 7303 एक्टिव मरीज हैं। वहीं गुरुवार को 13693 लोगों ने कोरोना टेस्ट कराई, जिनमें से 2086 लोग संक्रमित निकले। इसीलिए प्रशासन द्वारा सतर्क और नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है। पहली बार दिव्यांगों द्वारा बनाए गए एक अद्भुत शो मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी देने के लिए नागपुर में पत्र परिषद आयोजित की गई थी। इस दौरान मॉम्स प्रोडक्शन के डायरेक्टर सनी फ्रांसिस ने शो के बारे में जानकारी दी। दुनिया की नजरों में आज तक हमेशा दिव्यांग शब्द सुनते ही लोगों के दिमाग में एक छवि बनी हुई है कि ये तो सिर्फ दूसरों पर और समाज पर ही निर्भर होते हैं, पर देश में पहली बार नागपुर के दिव्यांगों ने मिलकर एक शो ऑर्गेनाइज किया है। देश का पहला ऐसा शो जिसमें होने वाली हर एक चीज सब कुछ एक दिव्यांग संभालेगा। और इस शो का नाम है मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया। इस शो में मुख्य रूप से मॉम्स प्रोडक्शन के निर्माता मिस्टर सनी फ्रांसिस का सहयोग मिला है। मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया इस शो के माध्यम से वो खुद तो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, साथ ही समाज के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। और इस शो के माध्यम से भारत के दिव्यांगों को एक नई राह मिलेगी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में दिव्यांग उपस्थित थे। मैं सनी फ्रांसिस और मैं मिस्टर इंडिया रह चुका हूँ 2013 का। मैं मॉम्स प्रोडक्शन का डायरेक्टर भी हूँ। ये एक बहुत ही अद्भुत शो है जो हम नागपुर से बनाना शुरू कर चुके हैं। इसकी तैयारी पिछले 3 साल से हम लोग मिलकर कर रहे थे। ये शो का नाम है मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया, जो चलता नहीं चलाएगा इंडिया।
थीम ये है कि इंडिया के जो दिव्यांग हैं, मतलब विदर्भा के जो हमारे फिलहाल दिव्यांग यहाँ मौजूद हैं, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। किसी में सिलाई का टैलेंट है, किसी में मेकअप का टैलेंट है, कोई एंकरिंग कर सकता है, कोई बैकस्टेज मैनेजमेंट कर सकता है, ये सारे टैलेंट्स को हम इकट्ठा कर रहे हैं। मॉडल्स तो नॉर्मल रहेंगे जो वॉक करेंगे इस शो में, लेकिन दिव्यांग लोगों के द्वारा पूरे शो को मैनेज किया जाएगा और ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा शो होगा जो दिव्यांगों के द्वारा बनाया जाएगा, मिस्टर एंड मिस स्वदेशी इंडिया। और मैं अपेक्षित हूँ कि इसी प्रकार से हमें हमारी जो मीडिया है उससे भी सहयोग मिलेगा। वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए। Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। Flywheel Aviation Academy, 1 degree 3 job opportunities। Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि सीबीआई एक विशिष्ट और प्रशिक्षित एजेंसी है जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर पूर्वाग्रह से ग्रसित टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी। निचली अदालत ने देशमुख को कथित तौर पर क्लीन चिट देने वाली सीबीआई की प्रारंभिक जांच कथित तौर पर लीक होने से जुड़े मामले में उनके खिलाफ जांच का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने निचली अदालत के एक आदेश में उनके खिलाफ की गई हैरान करने वाली टिप्पणियों के विरोध में याचिका दायर की है। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि जाहिर है कि सीबीआई स्वतंत्र तरीके से काम और जांच करेगी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि निचली अदालत ने ऐसी धारणा बनाई कि जांच एजेंसी के पास मामले में याचिकाकर्ता को फंसाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने याचिकाकर्ता की भूमिका पर पूर्व निर्णय कर लिया और अतिरेकपूर्ण टिप्पणी की, जबकि वो सिर्फ जांच का निर्देश दे सकती थी। उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई एक प्रशिक्षित एजेंसी है जो निचली अदालत की टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगी और निचली अदालत के न्यायाधीश ने केवल वजह बताई है कि उन्होंने आगे जांच का आदेश क्यों दिया। न्यायमूर्ति प्रसाद ने कहा कि ये कहने की जरूरत नहीं है कि सीबीआई जैसी विशिष्ट एजेंसी आगे जांच का निर्देश देते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा की गई टिप्पणियों से भ्रमित नहीं होगी। ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि सीबीआई स्वतंत्र रूप से काम करेगी। अदालत के स्पष्टीकरण के बाद चौधरी ने अपने अनुरोध पर और जोर नहीं दिया। सीबीआई की ओर से अधिवक्ता निखिल गोयल ने कहा कि एजेंसी स्वतंत्र तरीके से मामले की जांच कर रही है। भाजपा विधायक नितेश राणे कई दिनों से आउट ऑफ रेंज थे, क्योंकि संतोष परब हमला मामले में नितेश राणे पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी, लेकिन गुरुवार को अचानक नितेश राणे के सिंधुदुर्ग बैंक परिसर में सामने आने से भाजपा द्वारा उनका स्वागत किया गया, लेकिन वे इतने दिन कहां थे इस पर कई सवाल उठ रहे हैं। भाजपा विधायक नितेश राणे संतोष परब हमले में गिरफ्तारी के डर से कई दिनों से अज्ञातवास थे, लेकिन गुरुवार को नितेश राणे के पहुंचते ही स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं ने राणे का फूलों के गुलदस्ते से स्वागत किया। इस समय बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता जुटे थे। सिंधुदुर्ग जिला बैंक का चुनाव हुआ, भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन नीतीश राणे गिरफ्तारी के डर से आगे नहीं आए। हालांकि अब कोर्ट ने गिरफ्तारी से सुरक्षा दे दी है। नीतीश राणे 15 दिन बाद सामने आए हैं, लेकिन राणे इतने दिनों से कहां छिपे थे ये अभी तक किसी को नहीं पता। बेमौसम बारिश अतिवृष्टि से नागपुर जिले में कई गांवों में नुकसान हुआ है। गुरुवार को इन नुकसानग्रस्त इलाकों का पशु संवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीड़ा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार ने दौरा किया।
इस दौरान उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में मृत हुए लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपए की आर्थिक मदद घोषित की। मंत्री सुनील केदार ने नागपुर जिले के बोखारा गांव का दौरा किया। इस दौरान प्राकृतिक आपदा में मृत हुए हेमंत रोशन निवते के परिवार से मुलाकात की। मृतक दूध बांटने का काम करता था, इसीलिए उसके परिवार को पशु संवर्धन विभाग की योजना के तहत गाय और भैंस देने के साथ सानुग्रह अनुदान के रूप में 4 लाख रुपए देने की घोषणा पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार ने की। सरकारी योजना से मवेशियों का गोठा मंजूर करने की सूचना भी उन्होंने गट विकास अधिकारी व तहसीलदार को दी, साथ ही पुलिस विभाग को तुरंत कार्यवाही करने की सूचना दी। इस दौरे में मंत्री केदार ने नागपुर जिले के बोखारा, गुमथला, बैलवाड़ी, कामठी तहसील के गुमथी, लोनखैरी, सावनेर तालुका के दहेगांव रंगारी, पारशिवनी तालुका के इटगांव, भागी महारी, रामटेक तहसील के जमुनिया, टुयापार, घोटी, फुलझरी इन गांव में अतिवृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। जिले में 7,431 हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, गेहूं, हरभरा, तुअर, सब्जी भाजी, संतरा व टमाटर का नुकसान हुआ है। वही 8,334 खाते धारकों का नुकसान भी हुआ है। राज्य सरकार द्वारा पंचनामे कर मदद की जाने की बात उन्होंने कही। इस दौरान जिला परिषद उपाध्यक्ष सुमित्रा कुंभारे, जिला परिषद के कृषि सभापति तापेश्वर वैद्य, सदस्य कुंदा राउत, प्रकाश खापरे, राजू कुसुबे, दुधाराम सव्वालाखे, शांता कुमरे, उप विभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी मिलिंद शेंडे उपस्थित थे। सर्वप्रथम अकस्मात जो निसर्गाचा कोप झाला त्यामुळे ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे। मग ते कापूस असो, हरभरा असो, तुरी असो किंवा उन्हाळी भुईमुग असो की मग त्या ठिकाणी असलेला भाजीपाला आणि मग त्या ठिकाणी असलेला संत्रा सुद्धा राज्य शासनातर्फे तातडीनं पंचनामे करण्याचे आदेश दिलेले आहे। पंचनामे सुरू आहे। कालच राज्य शासनाची कॅबिनेट मीटिंगमध्ये या गोष्टीची चर्चा झालेली आहे आणि तातडीनं यांना सुद्धा मदतीचा हात राज्य शासनाकडनं नक्कीच प्राप्त होईल असा राज्याचा मंत्री डॉक्टर आपल्याला विश्वास देतो। सगळ्या यंत्रणाला एवढंच सांगणं आहे की हा शेतकरी तुटपुंज आहे, त्या शेतकऱ्याला यावेळेस राज्य शासनाची मदत जी मिळणार आहे त्याच्यामध्ये सर्वे करत असताना शेतकऱ्याचं खऱ्या अर्थानं जे नुकसान झालेलं आहे एखाद्या वेळेस तुम्हाला त्याला मदत करण्याची भूमिका सुद्धा आपल्यामध्ये ठेवून त्याचा सर्वे करावा लागेल। यासोबतच सरकारी यंत्रणाला एवढं सांगतो की ग्रामीण भागामध्ये जे गरीब लोक आहे, जे झोपडपट्टीत राहणारे लोक आहेत त्यांच्या घराचंही नुकसान झालेलं आहे, त्यासंबंधी सुद्धाही सर्वे होणं गरजेचं आहे। ते ताबडतोब सर्वे करा आणि लवकरच राज्य शासन यांच्या मदतीला आपल्याकडनं त्या ठिकाणी आर्थिक तरतूद करणार आहे म्हणून हा सर्वे जेवढ्या लवकर करतात तेवढा करून घ्या। माझ्या जिल्हा परिषदचे पदाधिकारी त्या ठिकाणी असलेले पंचायत समितीचे सन्माननीय पदाधिकारी, सन्माननीय जिल्हा परिषद सदस्य, सन्माननीय पंचायत समिती सदस्य आणि गावातील ग्रामपंचायतचे सन्माननीय सरपंच सुद्धाही शासकीय यंत्रणेला सर्वे करण्यासाठी मदत करावी जेणेकरून आपल्या या सगळ्या यंत्रणेच्या माध्यमातून जे रिपोर्ट तयार होईल कारण लोकशाहीमध्ये जोपर्यंत पदाधिकारी आणि अधिकारी एकत्र मिळून काम करत नाही तोपर्यंत खऱ्या अर्थानं सामान्य माणसाला न्याय मिळत नाही आणि म्हणून हे सर्वे करून घेत असताना जिल्हा परिषद पंचायत समितीचे पदाधिकारी आणि सदस्य ग्रामपंचायतचे सरपंच सदस्यांनी सरकारी यंत्रणेला मदत करावी अशा प्रकारचं सुद्धा या ठिकाणी आपलं मत व्यक्त करतो। तो प्राइम टाइम न्यूज में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज। नमस्कार।